शांति। आज 11 जून 2023 अव्यक्त रूप में चले हुए बाप दादा के मधुर महावाक्य, ओरिजिनल डेट 9/1/95, टाइटल है निश्चय बुद्धि की निशानियां, निश्चित विजय और सदा निश्चिंत स्थिति का अनुभव। आज सर्व बच्चों के रक्षक और शिक्षक बाप दादा अपने सभी ब्राह्मण बच्चों के फाउंडेशन को देख रहे थे। ये तो सभी जानते हैं कि वर्तमान श्रेष्ठ जीवन का फाउंडेशन निश्चय है। जितना निश्चय रूपी फाउंडेशन पक्का है, उतना ही आदि से अब तक सहजयोगी, निर्मल स्वभाव, शुभ भावना की वृत्ति और आत्मिक दृष्टि सदा नेचुरल रूप में अनुभव होती है। हर समय चलन और चेहरे से उनकी झलक अनुभव होती है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में सिर्फ जानना नहीं है कि मैं ये हूँ और बाप ये है, लेकिन जानने का अर्थ है जो जानते हैं वो मानना और चलना। बाप दादा देख रहे थे कि जो भी बच्चे अपने को ब्राह्मण कहलाते वो सभी ये फलक से कहते हैं कि हम निश्चय बुद्धि है। तो बाप दादा सभी निश्चय बुद्धि बच्चों से पूछते हैं, जब आप सभी कहते हो कि हम निश्चय बुद्धि विजयी है, तो कभी विजयी कभी हार क्यों होती है? जब कभी कभी थोड़ी हलचल होती है तो क्या उस समय निश्चय खत्म हो जाता है? जब निश्चय बुद्धि सदा हो तो विजय सदा हो कि बीच बीच में गुटका और जुटका होता है? निश्चय का फाउंडेशन चारों ओर से मजबूत है या चारों ओर के बजाय कभी एक और कभी दूसरे के, कभी दो और ढीले हो जाते हैं, कभी एक और कभी दो और ढीले हो जाते हैं? कोई भी चीज को मजबूत किया जाता है तो चारों ओर से टाइट किया जाता है ना। अगर एक साइड भी थोड़ा सा हलचल वाला हो तो हिलेगा ना। तो चारों प्रकार का निश्चय अर्थात बाप में, आप में, ड्रामा में और ब्राह्मण परिवार में निश्चय, ये चार ही तरफ के निश्चय को जानना नहीं लेकिन मान कर चलना। अगर जानते हैं लेकिन चलते नहीं है तो विजय डगमग होती है। जिस समय विजय हलचल में आती है तो चेक करना कि चारों तरफ से कौन से तरफ हलचल में है। बाप दादा देखते हैं कि कई बच्चों को बाप में पूरा निश्चय है, इसमें पास है, लेकिन अपने आप में निश्चय चाहिए उसमें अंतर पड़ जाता है। जानते भी है, कहते भी है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन जो जानते हैं मानते हैं वो स्वरूप में, चलन में, कर्म में हो, इसमें ही अंतर पड़ जाता है। एक तरफ सोचते हैं कि मास्टर सर्वशक्तिमान हो, विश्व कल्याणकारी हो, दूसरे तरफ छोटी सी परिस्थिति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। है तो मास्टर सर्वशक्तिमान, लेकिन ये परिस्थिति बहुत बड़ी है, ये बात ऐसे ही है, तो क्या ये निश्चय है? सिर्फ जानना है कि मानकर चलना नहीं है। कहते हैं व सोचते हैं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूं,
लेकिन विश्व तो छोड़ो, स्व कल्याण में भी कमजोर होते हैं। अगर उस समय उन्हें कहो कि क्या स्वयं को परिवर्तन कर स्व कल्याणकारी नहीं बन सकते, तो जवाब देते तो विश्व कल्याणकारी लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है। है तो विश्व कल्याणकारी लेकिन स्व कल्याण बहुत मुश्किल है, ये बात बदलना मुश्किल है, तो विश्व कल्याणकारी कहेंगे या कमजोर? तो स्व में भी परिस्थिति प्रमाण, समय प्रमाण, संबंध संपर्क प्रमाण निश्चय स्वरूप में आए, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय हुई ही पड़ी है। जैसे सभी को यह पक्का निश्चय है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, इसके लिए कोई दुनिया के वैज्ञानिक भी आपको हिलाने की कोशिश करे कि आत्मा नहीं शरीर हो, तो मानेंगे नहीं और ही उसको मनाएंगे। तो जैसे ये पक्का है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा और कौन सी आत्मा ये भी पक्का है, ऐसे निश्चय बुद्धि की विजय भी इतनी निश्चित है, हार असंभव है और विजय निश्चित है। और ये भी निश्चित है कि बातें भी अंत तक आनी है, लेकिन उसमें विजय बनने के लिए एक ही समय पर चारों ओर की तरफ का निश्चय पक्का चाहिए। तीन में निश्चय है और एक में नहीं है, तो विजय निश्चित नहीं है, लेकिन मेहनत से विजय होंगे। निश्चित विजय वाले को मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। कई बार कई कहते हैं, बाप दादा तो बहुत अच्छा है, वो तो पक्का है कि बाप है और हम बच्चे हैं, हमारा बाप से ही संबंध है। लेकिन दैवी परिवार में खिटखिट होती है, उसमें निश्चय डगमग हो जाता है, इसलिए परिवार को छोड़ देते, हल्का कर देते, तो एक साइड ढीला हो गया ना। बिना परिवार के माला में कैसे आएंगे? माला कब बनती है? जब दाना दाने से मिलता है और एक ही धागे में पिरोए हुए होते हैं। अगर अलग अलग धागे में अलग अलग दाना हो तो उसको माला नहीं कहेंगे। तो परिवार है माला। अगर परिवार को छोड़कर तीन निश्चय पक्के हैं तो भी विजय निश्चित नहीं है। चलो परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो। बाबा कहते परिवार की खिटखिट से किनारा कर लो, बाप का सहारा हो, परिवार का किनारा हो तो चलेगा? काम तो बाप से है या भाइयों से है? बाप से काम है, वर्षा बाप से मिलना है, भाई बहनों से क्या मिलेगा? लेकिन ब्राह्मण जीवन में यही न्यारापन है कि धर्म और राज्य दोनों की स्थापना होती है, सिर्फ धर्म की नहीं, और धर्म पिताएं सिर्फ धर्म की स्थापना करते हैं। बाप की विशेषता है धर्म और राज्य की स्थापना करना। तो राज्य में एक राजा अकेला क्या करेगा? बहुत अच्छा तख्त भी हो, ताज भी हो, पर क्या करेगा? राजधानी भी चाहिए ना। तो राजधानी अर्थात ब्राह्मण परिवार, सो राज परिवार। इसलिए ब्राह्मण परिवार में हर परिस्थिति में निश्चय बुद्धि, तब राज्य भाग्य में भी सदा राज्य अधिकारी होंगे। तो ऐसे नहीं समझना कोई बात नहीं परिवार से नहीं बनती है, बाप से तो बनती है। ड्रामा अगर भूल जाता है तो बाप को, बाप तो याद रहता ही है, लेकिन कोई भी कमजोरी एक ही समय पर होती है, स्वस्थिति अर्थात स्व निश्चय भी अगर कमजोर होता है तो विजय निश्चित के बजाय हलचल में आ जाती है। तो बाप दादा निश्चय के फाउंडेशन को चेक कर रहे थे, क्या देखा? सदा चार ही प्रकार का निश्चय एक समय पर साथ नहीं रहता,
कभी रहता कभी हिलता, इसलिए सदा विजय का अनुभव नहीं कर पाते। फिर सोचते हैं होना तो ये चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों नहीं हुआ। किया तो बहुत मेहनत, सोचा तो बहुत अच्छा, लेकिन सोचना और होना इसमें अंतर पड़ जाता है। इसका अर्थ ही है कि निश्चय के चारों तरफ मजबूत नहीं है। और हंसी की बात तो ये है कि ड्रामा भी कह रहे हैं तो ड्रामा है तो ड्रामा है तो ड्रामा, लेकिन अच्छी तरह से हिल भी रहे हैं। कभी संकल्प में हिलते, कभी बोल तक भी हिल जाते, कभी कर्म तक भी आ जाते। उस समय क्या लगता होगा? दृश्य सामने लाओ, ड्रामा ड्रामा भी कर रहे हैं और हिलडुल भी रहे हैं, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी है निश्चित विजय। अगर विधि ठीक है तो सिद्धि प्राप्त न हो, ये हो नहीं सकता। तो जब भी कोई भी कार्य में विजय प्राप्त नहीं होती है तो समझ लो कि निश्चय की कमी है। तो निश्चय की कमी है, चारों ओर चेक करो, एक और नहीं। और बात, निश्चय बुद्धि की निशानी जैसे निश्चित विजय है वैसे निश्चिंत होंगे। निश्चित और निश्चिंत, कोई चिंता नहीं, कोई भी व्यर्थ चिंतन आ ही नहीं सकता, सिवाय शुभ चिंतन के व्यर्थ का नाम निशान नहीं होगा। ऐसे नहीं व्यर्थ आया भगाया, निश्चय बुद्धि के आगे व्यर्थ आ नहीं सकता। क्योंकि क्यों क्या और कैसे ये व्यर्थ होता है। जब ड्रामा के रास को जानते हैं, आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, तो जो ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं वो छोटी सी बात के आदि मध्य अंत को नहीं जान सकते। न जानने के कारण क्यों क्या कैसे ऐसे ये व्यर्थ संकल्प चलते हैं। अगर ड्रामा में अटल निश्चय है, नॉलेजफुल भी है, पावरफुल भी है, तो व्यर्थ संकल्प हिलाने की हिम्मत भी नहीं रख सकते। परंतु जब हिलते हैं तो सोचते हैं पता नहीं क्या हो गया, तो बाप दादा हंसते हैं कि ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान लिया, अपने 84 जन्म को जान लिया और एक बात को नहीं जानते। बड़े होशियार हो, होशियारी दिखाते हो ना, समय प्रति समय कल्प वृक्ष के सभी पत्तों को जानते हो कि नहीं, सभी वृक्ष के फाउंडेशन में बैठे हो या 7-8 बैठे हैं जो जड़ में बैठे हुए वृक्ष को जानते हो। बाबा कहते जड़ में जो बैठे हैं तो उसको वृक्ष को भी जानते हो, पत्ते पत्ते को जानते हो, और ये पता नहीं कैसे। तो निश्चय की निशानियां, निश्चिंत स्थिति, इसका अनुभव करो। होगा नहीं होगा क्या होगा, कर तो रहे हैं, देखे क्या होता है, इसको निश्चिंत नहीं कहेंगे, निश्चिंत नहीं कहेंगे। और फिर बाप के आगे ही फरियाद करते हैं, आप मददगार होना, आप रक्षक होना, आप ये होना, आप ये होना। फरियाद करना अर्थात अधिकार गवाना। अधिकारी फरियाद नहीं करेंगे, ये कर लो ना, ये हो जाए ना। तो निश्चय बुद्धि अर्थात निश्चिंत। तो ये प्रैक्टिकल निशानियां अपने आप में चेक करो, ऐसे अलबेले नहीं रह जाना। हम तो है ही निश्चय बुद्धि, कौन सा निश्चय कमजोर है वो चेक करो और चेंज करो। सिर्फ चेक नहीं करना, बाप दादा ने कहा था ना, चेकर के साथ मेकर भी हो। सिर्फ चेकर नहीं, चेक करने का अर्थ ही है सेकंड में चेंज होना। लेकिन चेक करो,
और चेंज नहीं करो तो बहुत काल से स्वयं में दिल शिकस्त के संस्कार पक्के हो जाएंगे, और जो बहुत काल के संस्कार है वही अंत में अवश्य सामना करते रहेंगे। कोई सोचते अंत में तो मैं सिवाय बाप के और कुछ नहीं सोचूंगा, लेकिन हो नहीं सकता, बहुत काल का अभ्यास चाहिए, नहीं तो एक सेकंड सोचेंगे शिवावा 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 और दूसरे सेकंड माया कहेंगी नहीं तुम्हारे में शक्ति नहीं है, तुम हो ही कमजोर, तो यह युद्ध चलती रहेगी। यदि निश्चिंत नहीं होंगे तो ब्राह्मण जीवन के अंतकाल का जो लक्ष्य वर्णन करते हो वो सहज कैसे होगा, और अंत तक ये व्यर्थ संकल्प होंगे तो वही भूतों के यमदूतों के रूप में आएंगे, और कोई यमदूत नहीं आते हैं, ये व्यर्थ संकल्प अपनी कमजोरियां ही यमदूत के रूप में आती है। यमदूत क्या करते, डराते हैं और दूसरों के लिए कहेंगे विमान में आएंगे अर्थात उड़ती कला से पार हो जाएंगे। कोई विमान आदि नहीं है लेकिन उड़ती कला का अनुभव करते हैं, इसलिए पहले से ही चेक करके चेंज करो। कब तक करेंगे, बाप दादा को खुश तो कर देते हैं, करेंगे प्रतिज्ञा भी लिख देते, लेकिन वो कागज तक रहती या जीवन तक रहती। अच्छा, आज मधुबन निवासियों का भी टर्न है, मधुबन वाले तो विशेष बाप दादा का स्नेह है, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा विशेष मधुबन निवासियों से है क्योंकि निमित्त है, फिर भी देखो आप आते हैं, खातरी तो ठीक करते हैं ना, मधुबन वाले खातरी करने में पास है ना, मेहमान नवाजी करना ही महानता है, जिसको मेहमान नवाजी करना आता है वो महान हो ही जाता है, सिर्फ खाने पीने से नहीं लेकिन दिल के स्नेह की मेहमान नवाजी सबसे श्रेष्ठ है। चाहे पिकनिक कितनी भी करा लो लेकिन दिल का स्नेह नहीं मिला तो कहेंगे कुछ नहीं मिला, तो मधुबन वाले दिल के स्नेह सहित मेहमान नवाजी करते हो ना, कि कोई नीचे ऊपर करेंगे तो कहेंगे बाप दादा ने ऐसे ही कहा, ऐसे नहीं करना, स्नेह के सागर के बच्चे हो ना, कब तक स्नेह देंगे, नहीं सागर के बच्चे नहीं, सागर के बच्चे हैं, बेहद है, तो सबके पास स्टॉक है ना। अच्छा, चारों ओर के सर्व निश्चय बुद्धि श्रेष्ठ आत्माएं सदा निश्चित विजय आत्माएं सदा निश्चिंत आत्माएं सदा श्रेष्ठ विधि द्वारा वृद्धि करने के निमित्त बनने वाली विशेष आत्माएं सदा एक पाप एक बल एक भरोसे में अचल अडोल रहने वाले समीप आत्माओं बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज का वरदान है दिल के स्नेह और संबंध के आधार पर समीपता का अनुभव करने वाले निरंतर योगी भव। ब्राह्मण आत्माओं में कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और कोई दिमाग अर्थात नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते, जहाँ दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात समीप है वहाँ याद भूलना मुश्किल है। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा निष्पल अर्थात हर पल याद समाई हुई है, ऐसे